जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में युवा अपने देश के लिए भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। शानदार बाना सिंह परेड ग्राउंड में 323 पास आउट जवानों ने परेड में भाग लिया। भर्ती ट्रेनिंग के बाद सीरियल नंबर 100 की जोरदार प्रशिक्षण के 42 सप्ताह के बाद एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड के साथ समापन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल NN नायर महानिदेशक भर्ती द्वारा इस परेड की समीक्षा की गई। जम्मू एवं कश्मीर राज्य से युवा सैनिकों की 2000 से अधिक रिश्तेदारों ने इस परेड में भाग लिया। युवा सैनिकों को आतंकवादियों से लड़ने और देश की सेवा के लिए उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया है। मतलब हमें बहुत आले दर्जे की ट्रेनिंग दी गई है यहाँ पे, हर किस्म में जहाँ तक हो सका है हमारे इंस्ट्रक्टर्स और हमारे स्टाफ ने हमारी बेखूबी से मदद की है। जैसे कि हम फिजिकली स्ट्रांग हुए हैं और यहाँ तक कि हमें ड्रिल, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और हर एक चीज़ के बारे में हमें यहाँ बताया जाता है। कैसे हमने आगे मतलब किस तरीके से हमने आगे मतलब हिंदुस्तान को मतलब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। बढ़िया खुशी है क्योंकि आज हमारा कसम परेड है। कठिन मतलब आज पूरे साल हमने ट्रेनिंग करके ख़त्म, आज आखिरी दिन है हमारा। आज हमारी कसम परेड है, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। बहुत सारे हमारे यंग सोल्जर बनेंगे, हम रिक्रूट से यंग सोल्जर बनेंगे। देखो जस्ट इंसिडेंटल कि मैं DG डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग भी हूँ और मैं रिक्रूटिंग का जो ऑल इंडिया में जो है आई एनरोल ऑफिसर्स और JCOs अदर रैंक्स को भी मैं रिक्रूट करता हूँ फौज में, ये मेरी जिम्मेवारी है। JNK के जो रिक्रूटमेंट का जो स्टेट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।